वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं। आज जो है वो संडे का दिन है और संडे में हम जिस तरीके से हर कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नई जगह का नाश्ता जो है वो दिखाएं। आज के जो नाश्ता है वो हम जो है वो हलवा पूरी ट्राई नहीं करेंगे, हम जो है वो पाया ट्राई करेंगे, वो भी मज़ेदार का। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे दोस्त भी वेट कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं पहुंच चुका हूं मज़ेदार हलीम, और हमेशा की तरह नईम इस बार फिर लेट है, तो नईम आएंगे और मैं उनको रिकॉर्ड करूंगा कि यार नईम जो है वो अब इस बार फिर जो है वो लेट हो चुके हैं। तो यार यहां पे जो है बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, मज़ेदार हलीम है, उसके सामने जो है वो लस्सी की दुकानें खुली हुई हैं, लोग आए हुए हैं गाड़ियों के अंदर, और जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हलवा पूरी है और इस तरह की सेटअप बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले नईम आ जाएँ, जो कि मैं अभी वीडियो में बात कर रहा था, और जो है वो आप मुझे कह रहे हैं कि गाड़ी पार्क करने के लिए जो है वो जगह बना दें। तो भाई आप जो है वो पहले की तरह जो है इस बार फिर लेट हो चुके हैं। अच्छा आप मानते हैं आज आप लेट हुए? चले यार इन्होंने मान लिया, मैं भी लंबी बहस नहीं पड़ रहा माने वाले। और अभी वैसे निहारी के अलावा कुछ और भी है नाश्ता? हलीम भी मिल जाएगा सुबह के नाश्ते में, निहारी, हलीम और पाया स्पेशलिटी है। ठीक है, और एक प्लेट हलीम भी कर दिया, 20 कर दिएगा। हलीम हो गई 200 रुपये का, पाया हो गया बहुत इकोनॉमिकल, लाहौर के टच का नाश्ता हो गया। आज हम लाहौर के टच का नाश्ता करने निकले, बहुत हलवा पूरी आप लोगों को दिखा दी, आज सुबह हो जाए वही भाई खजे के पाए और लक्ष्मी की कलम है। और इसके अलावा ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम खाना खाते हैं, चले ठीक है। पाए खाने के लिए हम आ चुके हैं, इतवार के दिन हो और नाश्ता जो है वो बाहर ना हो तो यार मज़ा नहीं आता, इतवार का दिन पूरा नहीं होता। मैं पाए जो है वो नाश्ते में बाहर पहली दफ़ा खा रहा हूँ, बस हलवा पूरी और चाय पराठा चल रहा होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत हैवी होगा, खाया नहीं जाएगा, और सम टाइम आपको जो है वो इस तरह के नाश्ते भी करने चाहिए यार, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि यार लाहौर में अक्सर सुनने में आता है कि यार वो लोग बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो लस्सी भी पीते हैं। तो हम लोग का प्लान ऐसे ही था कि यार नाश्ते में कुछ जो है ना वो सॉलिड चीज़ होनी चाहिए। अच्छा पाए के ज़्यादा पाए के टेस्ट की बात करूँ ना मैं, पाए की जो ग्रेवी है ना काफ़ी रिच है, मतलब आप नली निकालने के बाद जो है वो आपको इस तरह का टेस्ट आता है, मगर यहाँ पर दोस्त नली की ज़रूरत ही नहीं है, नली के बगैर ही इतना जो है ना वो पक गया है, इतना प्रॉपरली कुक्ड हो गया कि मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि यार मैं तो सोच रहा हूँ कि यार मेरा मन सकता है मैं रोटी चूरी खाना शुरू कर दूँ उसमें, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो हाईली रिकमेंडेड है, और सबसे बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार इतने नॉमिनल रेट के अंदर 200 रुपीज़ में आप सिर्फ जो है वो पाए बाय करने चले जाएँ, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में क्या रेट चल रहे हैं, सिर्फ खाली पाए की फिर पकाने की रेसिपीज और फिर वो प्रॉपर टेस्ट लेके आना। 200 रुपये में इतनी जम्बो साइज़ प्लेट आराम से 2 से 3 बंदे, 2 बंदे तो यार आराम से प्रॉपर तरीके से खा लेंगे यार, और फुल मीट और इसके अंदर जो है वो नली भी है। और मज़ेदार पे आप आएँ और मज़ेदार की हलीम ट्राई ना करें तो फिर उसके साथ जो है आप इंसाफ नहीं होगा। तो वैसे तो हलीम आप जो है जब भी खाते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है लाजमात है, वो ऐसी लाजमात है। ये आपकी हो गई प्याज, उसको पहले आप प्रॉपर तरीके से सर्व कर लें, फिर थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी जो है वो इस पर ऊपर से आप मर, ये बहुत ज़रूरी होती है टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा मैं टच करूँगा इसका मसाला,
और फिर उसके ऊपर जो है वो ये लेमन का जो मुझे ऊपर से तड़का लगेगा बिल्कुल, तो उसके बाद जो है वो टेस्ट जो है वो इनहेंस कैसे नहीं होगा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आई होप कि जो है वो नईम जो है वीडियो बना रहे हैं उनसे भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि वो जल्दी से वीडियो ख़त्म करें और इसका बाइट लें। यार आप रेशा चेक करें, रेशा ये बीफ है और 120 रुपीज़ के अंदर इतनी फुल लोडेड प्लेट है, तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ यार। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले पाया ख़त्म करूँ या हलीम ख़त्म करूँ। सीरियसली कराची वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, हाईली रिकमेंडेड है यार, ज़रूर ट्राई करूँ। थैंक यू। तंदूर की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी गरम गरम ला के उसने दी है और ज़बरदस्त पाए हो रहे हैं। मैं बिल्कुल यानी फर्स्ट टाइम मेरा मज़ेदार एक्सपीरियंस, ये मज़ेदार फूड का एक्सपीरियंस है। नाश्ते वाला, नाश्ते का पाए का, पाए का अच्छा। हलीम बिरयानी वगैरह तो हम यहाँ खाते ही रहते हैं, तो ये जो पाए का एक्सपीरियंस किया है ये आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि हमने पाए एक दो जगह के और भी ट्राई किए हुए, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। मगर मज़ेदार का जो टेक्सचर और पाए की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, हाईली हाईली रिकमेंडेड। एक दफ़ा आए अगर कोई किसी को लाहौरी टच का नाश्ता करना है और ज़बरदस्त मणि की करना है तो हाईली रिकमेंडेड। फाइनली यार हम लोगों ने जो है वो सुबह का नाश्ता जो है किया और इसमें हमने जो है वो पाए और हलीम ट्राई करी और आपको दिखाई, वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। नॉमिनल रेट के अंदर अगर आपने अच्छा नाश्ता करना है, हम लोगों ने जो है वो एक पाए, हलीम, चाय, कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ें मिलाने के बाद जो है वो हमारा बिल का टोटल अमाउंट जो था वो 400 रुपीज़ कुछ था, मतलब कि आराम से आप 200 रुपये पर हेड पे अच्छा नाश्ता जो है वो कर सकते हैं। और जगह बहुत ज़बरदस्त है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, बैठने की जगह है फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नईम जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, बहुत डिफरेंट इस दफ़ा की वीडियो बनाई है हमने, तो आप लोगों के अच्छे कमेंट्स मिलते रहते हैं। लाइक करना है अब्दुल्ला आदिल का चैनल और सब्सक्राइब करना हमारी हर वीडियो को। ये हमारी और इधर फेस का आइकन आ रहा होगा, ये फेस का आइकन है, तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को ज़रूर जो है कमेंट करके बताया करें नीचे के कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।